हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू लॉग। फिर से आपका दोस्त, आपका छोटा भाई रौनक आपके लिए खास और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ चुका है। जैसे कि आप जान सकते हैं, सत्संग भवन पूर्णिया, पूर्णिया में एक सत्संग भवन भी है और यही भवन को आज हम पूरा कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसे भी ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलते हैं हम सत्संग भवन की भवन के अंदर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जस्ट बड़ा सा गेट बनाया गया है, यहाँ से आपको एंट्री लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ से हम अंदर आए तो अंदर में देखिए काफी सारे फूल और पेड़ पौधे लगाए गए हैं और साफ सुथरा भी बहुत है। तो अंदर में वृक्ष वगैरह बहुत सारे लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए सत्संग जो होता है यहाँ पे ही होता है, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। अभी तो सत्संग नहीं हो रही है, अभी वहाँ पे बाहर में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। फिर भी आप देखिए पेड़ पौधे, साफ सफाई की जो बात करें पूरा साफ सफाई, हरे हरे घास है। तो इधर आप देख लीजिए, यहाँ इसके अंदर ही सत्संग होता है जो आप लोग सुनने आते हैं और मन को अलग ही शांति मिलती है। हमें कुछ ज्ञान की बातें सत्संग में सुनने आती है कि हमारे पहले हम कैसे थे, इतिहास सुनने में आती है, और भगवान की कुछ बातें जो हमको अलग ही फील देती है, पुरानी बातें याद दिलाती है। तो यही है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं हम। आपको यहाँ पे चप्पल खोलना है और चलते हैं मंदिर की ओर। श्री से आगे चलेंगे और आगे आगे भैया, पीछे पीछे हम। तो किस बार का है डर, आगे भगवान उसका दर्शन करेंगे। बड़ा सा प्रतिमा लगा है और इनसे शिक्षा थोड़ा, इनको प्रणाम कर लें। इधर देखिए इसके अंदर हो है ऐसा बड़ा सा महात्मा जी का तस्वीर, बड़े से चेयर पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे सत्संग होता है। यहाँ पे जितना भी महात्मा जी हैं उनके तस्वीर लगे हुए हैं और यहाँ पे आप लोग ज्ञान की बातें लेते हैं। ये है पूर्णिया का सत्संग भवन, देख सकते हैं यहाँ का बिल्डिंग जो है। बिल्डिंग सबसे पहली बात तो बिल्डिंग इतना सुंदर है और इतना स्वच्छ है, इतना साफ सुथरा। पूर्णिया का ये सत्संग भवन है जो कि मरंगा के साइड में है। तो यहाँ पर देखिए महाराज जी का एक तस्वीर लगा हुआ है जो यहाँ के महाराज है, शायद उनका नाम तो नहीं है, हम पता करके बताते हैं आपको। और देखिए जितने भी महात्मा के यहाँ के हैं, गुरु हैं, सभी का एक एक वाल पे फोटो लगा हुआ है, पूरा देखा हुआ। और ये जो जगह खाली दिख रहे हैं, ये जगह जो खाली है, ये जगह पे हम लोग बैठ के जो होता है ऐसे बैठ के सत्संग सुनते हैं, वहाँ महात्मा जी अपना प्रवचन देते हैं और यहाँ पे सुनते हैं, इसी को बोला जाता है सत्संग भवन। सत्संग क्या होता है? सत्संग ये होता है जहाँ पे अच्छी बातें आपको बताई जाती है, जीवन में कैसे क्या करना चाहिए, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। तो सत्संग एक बहुत अच्छा चीज़ है जहाँ पे ज्ञान मिलता है। ज्ञान कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान से ही हम लोग चलते हैं। अगर ज्ञान नहीं हो, मूर्खता हो, फिर हम लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ये बताइएगा, अगर कहिएगा कि इतना ज्ञान कैसे हो रहा है, तो सत्संग भवन में आने से ज्ञान हो रहा है। क्योंकि सत्संग भवन में आइएगा तो आपका ज्ञान का जो बुद्धि का है जो, ये खुल जाएगा। क्योंकि यहाँ का वातावरण भी ऐसा ही है, आप आइए, अगर थक जाते हैं तो सत्संग भवन पूर्णिया है, ज़्यादा दूर नहीं है, पूर्णिया से 2-3 किलोमीटर है मरंगा, मरंगा के साइड में सत्संग भवन पूर्णिया है, तो जरूर आया कीजिए, यहाँ पर ज्ञान लिया कीजिए। तो चलिए और इसका देखते हैं अगल बगल क्या तरह है। यहाँ पे इतना सुंदर है, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा, तो चलिए दिखाइए। तो आप देखिए इधर से हम बाहर आ गए, यहाँ पे देखिए प्रतिमा लगाए हैं। और इधर जो देखे तो साइड में इधर देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और पूरा शांति वातावरण में सत्संग भवन है।
यहाँ पे देख लीजिए आप माँ का बड़ा सा चेयर पे बैठे हैं, बड़ा सा प्रतिमा लगाया गया है। तो इधर भी हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा जगह और शांति वातावरण में इसे बनाया गया है। ऊपर दिखा दिए, ग्राउंड फ्लोर दिखाते हैं, नीचे में भी बनाया गया है। यहाँ पे महाराज जी का तस्वीर लगाया गया है, प्रतिमा लगाई गई है। और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है तो आप देखिए यहाँ पे चार तस्वीरें लगाई हैं महाराज जी की, और बहुत साफ सुथरा है। यहाँ पे देख लीजिए आप तस्वीरें, मेन आप आगे का सीन देख लीजिए। अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है तो अभी ये बंद है, जब खुलेंगी फिर भी देखिए आगे का सीन कितना भव्य लग रहा है देखने में और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ से बहुत बड़ा सीढ़ी देखिए बनाया गया है, बहुत बड़ा सीढ़ी है। हाँ बोल, नहीं है कार्टून बाबू मेरे पास। क्या कर रहे हैं आप? हम वीडियो बना रहे हैं। तुम क्या कर रहा है? हाय कर दो। हाय 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 हाय, आप लीजिए ना। हैं? आप लीजिए ना। हम कर लिए बाबू, ठीक है बाबू बाय। जो गुरुजी यहाँ पे सत्संग करते हैं उनका यहाँ पे दो ठो आवास बनाया गया, एक इधर और एक पीछे है जहाँ पे ये लोग अपना रहते हैं। इधर देख लीजिए आप, बड़ा सा दो दो बिल्डिंग टाइप का बनाया गया है, विश्राम केंद्र बनाया गया है जहाँ पे आप सत्संग सुन के रेस्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं ठंडे ठंडे वृक्ष के नीचे। बहुत यहाँ का जो यहाँ का सिस्टम बोल रहे हैं, यहाँ का जो आने के बाद आपको आनंद जो आएगा ये पूछिए मत। हम जो आए हैं हमको मतलब कि सत्संग सुन नहीं सुनते हैं उतना, लेकिन फिर भी यहाँ आके पूरा मन शांत हो गया। आपको टेंशन है या कुछ भी ज़िंदगी में आपको चल रहा है, यहाँ पर आया कीजिए और सत्संग सुना कीजिए। और सत्संग सुनने से आपको थोड़ा, या सप्ताह में एक दिन भी आया कीजिए, यहाँ पर बैठने से ही आपका कष्ट सारा दूर हो जाएगा। ऐसा वातावरण है यहाँ का, बहुत ही सुंदर है भव्य। अब मंदिर तो देख ही सकते हैं, इतना भव्य मंदिर सत्संग भवन का जो है। और यहाँ ये पूर्णिया, हमारा पूर्णिया है तो आप लोग ज़रूर आए। और वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।